तो गाइज आपका भी जीमेल अकाउंट है, गूगल अकाउंट है, अब तक आपने अपने जीमेल अकाउंट को, गूगल अकाउंट को टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो आपके जितने भी पर्सनल डेटा होता है, जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है वो चोरी हो सकता है, यानी लीक हो सकता है। अगर किसी हैकर को आपके यूजर नेम और पासवर्ड पता चल जाता है तो आपके जीमेल अकाउंट को आसानी से एक्सेस कर सकता है, यानी लॉगिन कर सकता है। अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेते हैं तो आपके जीमेल अकाउंट को, आपके गूगल अकाउंट को हैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप वहाँ देख सकते हैं किसी ने आपके जीमेल अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहा है, आप आसानी से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने जीमेल अकाउंट का टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देते हैं और आपके जीमेल अकाउंट में जितने भी इन्फॉर्मेशन डेटा रहता है, यूजर आईडी पासवर्ड जानने के बाद भी चुरा नहीं सकता है। कैसे जीमेल अकाउंट का टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया जाता है, चलिए शुरू करते हैं। अपने जीमेल अकाउंट का टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए आपको जीमेल अकाउंट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा, आपको राइट साइड में अपना प्रोफाइल में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं ये जीमेल आईडी का हमको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। तो सिंपली यहाँ मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से एक नया इंटरफेस हो जाता है, आपको यहाँ सेक्रेटरी पे आ जाना है। चले सेक्रेटरी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ शो करेगा एक ऑप्शन, यहाँ देख सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन टर्न ऑफ, यानी टू स्टेप वेरिफिकेशन टर्न ऑफ है, मुझे इसे ऑन करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा। गाइस इस तरह से एक इंटरफेस शो हो जाएगा, आप अपना यहाँ डिवाइस देख सकते हैं और यहाँ एक ऑप्शन देख सकते हैं मैनेज सेटिंग। सिंपली आपको मैनेज सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर से एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दिखाई देता है पासवर्ड, आपने कौन सा पासवर्ड रखे हैं जीमेल अकाउंट का, तो यहाँ आपको शो करेगा पासवर्ड, आपने कौन सा जीमेल अकाउंट का पासवर्ड रखे हैं, यहाँ पासवर्ड इंटर कर देना है। चलिए मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। तो गाइस पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ नेक्स्ट वाला ऑप्शन शो करेगा, सिंपली आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से फिर से एक नया इंटरफेस शो हो गया है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ कंटिन्यू है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ आपको मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, जो भी मोबाइल नंबर से इसे ऑन करना चाहते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं। चलिए मैं इसे, तो गाइस मैंने यहाँ मोबाइल नंबर इंटर कर दिया है और यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ मोबाइल नंबर इंटर कर दिया है और यहाँ सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ एक कोड आया है, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ आपको इंटर द कोड, यहाँ कोड को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ नेक्स्ट कर देना है। तो गाइस नेक्स्ट करने के बाद यहाँ टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ टर्न ऑन कर देना है। सिंपली आपको यहाँ टर्न ऑन कर देना है। इस टर्न ऑन करने के बाद आपका जीमेल अकाउंट का टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाता है। अगर किसी हैकर को आपके यूजर नेम और पासवर्ड मालूम हो जाता है फिर भी आपके जीमेल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता है, यानी लॉगिन नहीं कर सकता है। तो गाइस अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा।